खाफामो थाना क्षेत्र के रूपापोर गांव में शनिवार दोपहर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो युवक घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक गंगापा अभिषेक कुमार अग्रवाल ने बताया कि फाफामो थाना क्षेत्र के रूपापोर गांव में शनिवार दोपहर जमीन की पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। देखते ही देखते असलहे से गोली चलाने लगे। गोली लगने से मुबसर नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि रूपापोर गांव निवासी मुदसिर अहमद पुत्र अतीक अहमद तथा पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के असरौली गांव निवासी आकिब पुत्र जावेद घायल हो गए। उदापुर गांव के रहने वाले दो परिवार हैं, जो उसी एक ही गांव के रहने वाले हैं और आपस में परिचित हैं। इनकी आपसी किसी रंजिश को लेकर के गोली चली है, जिसमें तीन लोग घायल हुए थे, जिसमें एक जो गंभीर रूप से घायल थे वहाँ अस्पताल में आकर के बेली में उनकी डेथ हो गई है और दो लोगों का इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी डॉक्टर उनको ठीक बता रहे हैं। जानकारी अभी वहाँ पर की जा रही है मौके पर, इनकी जमीन के पीछे कुछ वजह क्या थी झगड़े के पीछे का, और फिलहाल अभी इनकी स्थिति ठीक है और टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही सभी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें रवाना है और जो भी इसमें शामिल लोग होंगे, जो इसके पीछे होंगे, सबको गिरफ्तार किया गया। क्या गोली किसी से चली, लाइसेंसी अवैध पिस्टल? ये अभी जानकारी कराई जा रही है कि यूज किया गया वेपन्स कैसा था। अभी जो जानकारी थोड़ी तौर पर आ रही है वो अवैध असलाई था। सर एक एचएस जैद का नाम सामने आ रहा है, गोली चला हुआ, इसको दिखवाया जा रहा पूरा मौके पर, जो फोर्स है हमारी इसको दिखवाया जा रहा है। ये आपसी इनकी रंजिश थी, हैं ये दोनों एक दूसरे के परिचित परिवार और एक ही गांव के हैं और आसपास के ही हैं, तो इनकी जो आप जो भी रंजिश थी वो आपसी थी। जमीनी विवाद को लेकर बता रहे हैं, इसको दिखवाया जा रहा पूरी चीज़ों को। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया और पुलिस अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर पुलिस अधीक्षक गंगापा अभिषेक कुमार अग्रवाल और क्षेत्राधिकारी सोराव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की दूसरी टीम अपराधियों की तलाश में दबिश दे रही है। यह प्रकरण थाना फाफामऊ जिला प्रयागराज का है। रूदापुर गांव में मुदस्सिर अहमद और खुर्शीद अहमद का पक्ष रहता है, दोनों पड़ोसी हैं। आज सूचना मिली कि खुर्शीद अहमद पक्ष के द्वारा मुदस्सिर अहमद, मुबस्सिर अहमद और आकिर अहमद के ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें तीनों घायल हो गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमों के द्वारा मौका मुआयना किया गया तो सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पर मुबस्सिर अहमद की मृत्यु हो गई। बाकी मुदस्सिर अहमद और आकिर अहमद का इलाज चल रहा है, वे खतरे से बाहर बताए गए हैं। इस सूचना पर तत्काल ही मुकदमा दर्ज किया गया, इसमें 4 नामजद अभियुक्त सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए तेज तर्रार 5 टीमों का गठन किया गया है, टीमें रवाना हैं। बहुत जल्दी ही इन नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और सभी सबूतों के साथ इनको जेल भेजा जाएगा। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा।